स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों जो है आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ वाइट्स कंपनी का MX स्पोर्ट, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों लिखा हुआ है वाइट्स कंपनी का MX स्पोर्ट, जो कि मेड इन USA का है दोस्तों, और 2 साल वारंटी के साथ मिलने वाला है ये मशीन। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे MX स्पोर्ट यूज करना है आपको। और हाँ दोस्तों, इसका मैंने पिछला वीडियो बना रखा था अनबॉक्सिंग का, तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है दोस्तों, तो मैंने जो है आई बटन पे दे रखा है इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वाइट्स MX स्पोर्ट कैसे आपको चलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है 10 इंची का इसमें क्वाइल लगा हुआ है और मैंने पूरा फिट कर रखा है मशीन को, और ये फुल वाटरप्रूफ मशीन होती है दोस्तों, फुल वाटरप्रूफ और काफ़ी लाइट वेट होता है, आपको कैरी करने में भी बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। ये देखिए इतना इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, कितना मतलब कि बढ़िया बनाया गया है इस मेटल इंजेक्टर मशीन को, और इसमें दोस्तों 8 सेल लगते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको इस फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर एक फंक्शन का क्या मतलब होता है। ये तो होता है दोस्तों ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है। मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ, मशीन ऑन हो गया। ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन का बटन है, यहाँ से जो है ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। यहाँ से आप जो है ये जैसे जिस मोड में जाना चाहते हैं यहाँ से प्लस माइनस करके आप जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, आवाज़ आ रही है, अगर बैकग्राउंड साउंड नहीं चाहिए तो थ्रेशोल्ड को कम कर दीजिए। ये देखिए मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल 0-0 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं ऑप्शन के बटन पर जा कर के यहाँ से बैलून है, आप चाहें तो जो है बैलून को माइनस प्लस करके देखिए कम हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ट्यून को जो है सेट कर सकते हैं, जितना चाहें आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये है रीसेट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। फिर इंचेस है, लाइट का है, माइनस प्लस करना हो, ठीक है, ये जो डिस्प्ले लाइट है इसे आप माइनस प्लस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से जो है आप बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दोस्तों बढ़ाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा डेप्थ मिलती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है आप जितना बढ़ाएंगे, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखिए सेंसिटिविटी जो है मैंने बढ़ा दिया, छोटे से छोटे मैटर को कितनी दूर तक जो है दोस्तों कैच करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी को पूरा बढ़ा दिया है, 90 कर दिया। मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारा मैटर है दोस्तों, ठीक है। और ये सिर्फ उसी जगह साउंड करेगा सिर्फ जहाँ पर मेटल होगा। देखिए जैसे कि मेरे पास ये आयरन है, आयरन में लगाऊंगा तो बिल्कुल मशीन आवाज़ ही नहीं करेगी, ठीक है। नॉन फेरस मेटल है उस पर आवाज़ करेगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरी घड़ी है, अगर मैं इसे लगा देता हूँ ये साउंड कर रहा है, क्योंकि ये दोस्तों ये प्योर स्टील है, ठीक है, इसलिए इस पर आवाज़ कर रहे हैं। जिस मोड में जाना हो आप यहाँ से जो है शॉर्ट ट्रैक है, अगर जैसे कि आपको बीच वगैरह में सर्च करना है तो वहाँ से आप जो है शॉर्ट ट्रैक पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाईली मिनरल्स एरिया होते हैं। प्रोग्राम का है ऑप्शन है, तो दोस्तों काफ़ी सारा ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो ट्यून को जो है मैंने बता ही दिया कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहें आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये होता है सेंसिटिविटी को, आपको जो है सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगा, कम करेंगे तो कम डेप्थ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यह ट्रैक करने का ऑप्शन होता है, और ये जो ऑप्शन बना हुआ है ये होता है पिन पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ से डेप्थ भी इंडिकेट करता रहता है, जैसे अगर कोई मेटल जो है गुजरता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना डेप्थ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नज़दीक रहेगा तो बिल्कुल कॉइल से टच होकर के जाएगा, दूर रहेगा तो देखिए जैसे मैं दूर से लगा रहा हूँ दोस्तों, तो वो आइडिया मिल जाता है कि मेटल जो गहराई में है या ऊपर है, ठीक है। और पिन पॉइंट को अगर हम दबा कर रखेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरह साउंड करेगा, नहीं तो ऐसे साउंड आएगा, ठीक है। ये तो था दोस्तों फीचर्स के बारे में, बिल्कुल इजी है, कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, जिस फंक्शन में चाहें आप उसे यूज कर सकते हैं ऑप्शन में जा कर के, ठीक है।
यहाँ देखिए आयरन शो कर रहा है, आयरन लिखा हुआ है, गोल्ड है, गोल्ड का गोल्ड पे सिग्नल आएगा, सिल्वर का सिल्वर पे सिग्नल आएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया MX स्पोर्ट को कैसे आपको ऑपरेट करना है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा नया वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर नया लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।